आपने अक्सर बस, ट्रेन या सड़क चौराहों पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। उनकी गरीबी देखकर कई लोग उन्हें दया की भावना से भीख में पैसे दे देते हैं। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि इनमें से कई भिखारी ऐसे होते हैं जिनका बैंक बैलेंस आपसे भी ज्यादा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी भी भारत से ही है। आज हम आपको करोड़पति भिखारी भरत जैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मुंबई में रहता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भीख मांगकर करोड़पति तक बन चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम भरत जैन का आता है। दुनिया का सबसे अमीर भिखारी भरत जैन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और आजाद मैदान में भीख मांगने का काम करता है। हैरानी की बात तो ये है कि इसके पास मुंबई और पुणे में करोड़ों रुपए के मकान के साथ कई दुकानें हैं। इतना ही नहीं, भरत जैन के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। भरत जैन मुंबई में 1 करोड़ 20 लाख के फ्लैट में रहता है। इतना ही नहीं, उसने अपना अलग बिजनेस भी शुरू कर लिया है। भीख मांगकर उसने अब तक करोड़ों की संपत्ति जुटा ली है। परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी उसने भीख मांगना नहीं छोड़ा है। भरत जैन के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे 1 भाई और पिता हैं। हर महीने भरत जैन भीख मांगकर 75,000 रुपये तक कमा लेता है। हर दिन की औसत कमाई की बात करें तो ये 2,500 रुपये है, जबकि सालाना आय 9 लाख रुपये है। इस आधार पर देखा जाए तो भरत जैन भीख मांगकर जितना कमा रहा है, उतना पैसा एक सामान्य आदमी भी नहीं कमा पाता है। अनुमान लगाया गया है कि भरत जैन की नेटवर्थ 8 करोड़ 50 लाख रुपये से ज्यादा है। इसमें भीख वाली कमाई के अलावा उनके बिजनेस से होने वाली आय को भी शामिल किया गया है। भरत जैन के पास परेल में 2 BHK फ्लैट है। वहीं ठाणे में भी उसकी 2 दुकानें हैं, जिनसे हर महीने 50,000 रुपये तक का किराया मिलता है। भरत जैन की भारी भरकम कमाई के चलते उसके बच्चों का लाइफस्टाइल काफी अच्छा हो गया है। भरत जैन की ठाणे वाली दुकानों की कीमत करोड़ों रुपए की बताई गई है। इसके अलावा भरत का परिवार एक स्टेशनरी स्टोर चलाता है, इससे भी उनकी हर महीने मोटी कमाई होती है। उसने अपने दूसरे घरों को किराए पर चढ़ा रखा है। तो इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।